गोपालगंज वालों में कहीं ना कहीं ये खून में जज्बा रहता है कि भाई हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और वहीं खून छलक रहा है इनके बॉडी में, है ना, छलक रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ये गोपालगंज जिला है और गोपालगंज जिला बहुत ज्यादा इतिहास रचता है वर्ल्ड लेवल पे। मुकेश कुमार क्रिकेटर यहीं के हैं, यहीं के। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के, हाँ यहीं के हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पे। और जो इस बैकग्राउंड को देख रहे हैं, अभी हम फिलहाल में मौजूद है गोपालगंज के, और ये जो है देखिए कितना मस्त कोचिंग है, आपको वीडियो में हम कभी दिखा देंगे, लेकिन ये जो कोचिंग है और इसी कोचिंग के ये हैं हमारे सचिन जी। और सचिन जी इतना फेमस है गाने के लिए क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन हुआ था और उस फंक्शन में इन्होंने इतना ज़बरदस्त गाना गाया था कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। तो सचिन जी पहले हमारे चैनल पर स्वागत है, और बताइए कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं, और हम अपने चैनल पर हमारा स्वागत कर रहे हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तत्काल में मेरा अभी फिलहाल चालू हो रहा है लाइफ का, मतलब पहला स्टेज हो रहा है, पहला स्टेज चालू हो रहा है कि हम सिंगिंग लाइन में आ रहे हैं धीरे धीरे। सिंगिंग लाइन में आने का मतलब क्या जरूरत रहा, वजह रहा, चाहे क्या रहा? मतलब बात यह है कि हम रात में, हम जब छोटे थे तकरीबन 5-7 साल के, तो हम बचपन में बैठे रहते थे द्वार पे, ठीक है, तो द्वार पे एक छोटा सा चारपाई रहता था, उस पर बैठ जाते थे और आसपास में सभी लोग रहते थे। लेकिन उस तरह हम छोटे थे तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे, शर्मिंदगी नहीं थी, और हम वहाँ पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के गाना गाते थे। जैसे भी गाना गाएं, जैसे ख़राब चाहे अच्छा, जैसे भी गाएं चिल्ला चिल्ला के गाना गाते थे, और चांदनी रात थी। बात यह कि आसमान में ताकते रहते थे और गाते रहते थे। इस तरह धीरे 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 हमको लगता है कि वहाँ से स्टार्ट हुआ राग बैठना, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और फिर हम कोचिंग में, एक मेरा जमसर में कोचिंग है जिसमें हम 10th क्लास पढ़े हुए हैं, उसका नाम सनराइज है, सनराइज के नाम से चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं मुमताज़ सर। तो वहाँ पे स्टार्ट करना चालू किया, वहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को, गाना सुनाते थे, तो वहाँ से गाना स्टार्ट किए। फिर चॉइस हुआ गाना में, गाते गाए गाते आए, फिर यहाँ पे आए गोपालगंज आए पढ़े, फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे भाग लिए, फिर उस दिन से चॉइस और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, अभी आप यादव जी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन से कलाकार को सपोर्ट करते हैं? ऐसे सुनने में आता है कि आप खेसारी लाल यादव को 3 नंबर पर पसंद करते हैं। खेसारी लाल 3 नंबर पे इसलिए हैं क्योंकि सबसे अधिक भोजपुरी में हमको सबसे अच्छा गाना लगता है पवन सिंह का लगता है, सबसे बाद 2 नंबर, हाँ 2 नंबर पे नीलकमल, क्योंकि सबसे अधिक अच्छा सुर और राग गाना पे कंसंट्रेट, अच्छा टॉपिक पे गाना गाना, ये पवन सिंह अच्छा करते हैं, मतलब अच्छा लगता है उनका गाना। लेकिन आपका जो ये वीडियो देख रहे हैं यादव जी, वो तो आपको कमेंट में क्या क्या बोलेंगे ये भी सोच लीजिएगा। यादव जी होकर यादव जी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप ये बताइए कि सही कर रहे हैं, मतलब अपने गायकी के तरफ से पवन सिंह को फेमस करते हैं या सिर्फ ऐसे ही? ना, पसंद तो उनको भी करते हैं, खेसारी लाल को भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा गाना में सुर में हमको पवन सिंह पसंद आते हैं, उसके बाद नीलकमल आते हैं, फिर खेसारी लाल यादव आता है। पवन सिंह का कैसा गाना लगता है? अच्छा, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग या फिर ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग? जैसे कि पवन सिंह का हमको ज़्यादा गाना अच्छा लगता है छठ का, और भक्ति गीत प्लस में एक छोटा, मतलब छोटा मोटा लव स्टोरी वाला गीत अच्छा लगता है। अच्छा, आप सुने हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नहीं लेकिन हिंदी जो है बॉलीवुड में आप नाम कमाना चाहते हैं और बोलते हैं कि मुझे नेक्स्ट लेवल का सिंगर बनना है, सही बात है? हाँ, ऐसा सही बात है, क्योंकि हमको मतलब लग रहा है कि भोजपुरी गीत पसंद करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि सबसे अधिक लोग इंडिया में सबसे अधिक पसंद करते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक का बॉलीवुड सॉन्ग, इसीलिए हमको ज़्यादा चॉइस होता है। देखिए, ये गोपालगंज जिला है और गोपालगंज जिला बहुत ज़्यादा इतिहास रचता है वर्ल्ड लेवल पे। मुकेश कुमार क्रिकेटर यहीं क्रिकेटर है, यहीं के। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के, हाँ यहीं के हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन के भी मन में वो जलवा है और सचिन के दिल में भी हौसला है कि हमारे जिले के जो पूर्वज बन गए हैं, चाहे अभी नए में जो बन रहे हैं, जैसे मुकेश कुमार क्रिकेटर बने हैं और बाकी फील्ड में भी ये लोग धमाल मचाते हैं गोपालगंज वाले। गोपालगंज वालों में कहीं ना कहीं ये खून में जज्बा रहता है कि भाई हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और वहीं खून छलक रहा है इनके बॉडी में, है ना, छलक रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल का सिंगर बनने का, हाँ बनना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं इंडियन आइडल में कि हम भी वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस कर सकें और अपने अपने राज्य का और अपने जिले का नाम रोशन कर सकें। गोपालगंज का लाल है और गोपालगंज में किस तरह से खून उबलता है भाई, कुछ कर गुजरने की, ये तो आप पंकज त्रिपाठी मुकेश कुमार जैसे उदाहरण देख सकते हैं। फिलहाल आप अपने पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि अगली मतलब एग्ज़ाम के बाद से हम सोच रहे हैं कि सिंगिंग लाइन में आएँ, तो और जितना हो सकता है उतना हम आप लोग से प्यार लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी एक हम भी अपना सपना पूरा करेंगे और अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। वैसे में हम भक्ति गाना भी ज़्यादा चॉइस में गाते हैं, उस दिन भी प्रोग्राम हुआ था तो भक्ति गाना गाए थे, जिससे ज़्यादा और हमको वहाँ पर सपोर्ट मिला था। चलिए, अच्छी बात है, और यहीं इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं और आपसे लास्ट में जाते हैं तो इतना कहूँगा कि भाई गोपालगंज के लाल चंदन चंचल, गोपालगंज के लाल बुलेट राजा, गोपालगंज के लाल मुकेश कुमार और पंकज त्रिपाठी जाते हैं, राजेश अम्बसिया अनगिनत सिंगर है, और विदेशी लाल अंशु वाला, ये सब सिंगर गोपालगंज के हैं, और भाई भी चाहता है कि मैं भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पर जाके बजूँ। तो आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय।